दोस्तों सोनू निगम ने अजान पे नींद खुलने के कारण ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट के कारण बवाल हुआ। उस बवाल के कारण मौलवी साहब भड़क गए और मौलवी साहब ने एक फतवा जारी कर दिया। फतवा ये था कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडेगा वो उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। ओ वाओ। लेकिन वो 10 लाख का इनाम एक्सेप्ट करते हुए सोनू निगम ने खुद के ही बाल मुंडवा डाले और 10 लाख का इनाम लेने की घोषणा कर दी। लेकिन 10 लाख का वो इनाम हमारे मौलवी साहब दे नहीं पाए क्योंकि मौलवी साहब के पास पैसे ही नहीं थे, औकात 100 रुपए की नहीं थी और बात उन्होंने 10 लाख की कर दी थी जो कि सरासर गलत है। सोनू निगम इस बात पे भड़क गए और अब सोनू निगम ये सोच रहे हैं कि जब फतवा बाउंस हो गया तो फतवा बाउंस होने पर वे किस कोर्ट पे जाएं और किस कोर्ट पे केस लड़ें। तो इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन एक मुहिम छेड़ रखी है कि उन्हें उस कोर्ट का नाम बताएं जहां पर फतवा बाउंस होने का केस लड़ा जाता है। मौलवी साहब बहुत जल्द उनकी हेल्प करने वाले हैं। मौलवी साहब अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। ऊपर से सोनू निगम अब बहुत ही खफा नज़र आ रहे हैं क्योंकि सोनू निगम हो गए गंजे और मौलवी साहब हो गए नंगे। जी हाँ, सोनू निगम के गंजे होने के कारण जो है मौलवी साहब नंगे हो चले हैं और अब मौलवी साहब को अपने जले पे बरनौल लगाने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मौलवी साहब की हालत कुछ इस तरीके की हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि निकलें कहाँ से। जी हाँ, और सोनू निगम को पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है, देख सकते हैं आप सैल्यूट। और मौलवी साहब अभी भी फंसे हुए हैं। तो मौलवी साहब, हम आपकी सलामती की दुआ करते हैं और आगे आप इसी तरह के हास्यास्पद फतवे देते रहें। नमस्कार। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। हेलो नितिन अपलोडर, हाँ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, शेयर किए ना बिना तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, शेयर का बटन दबा के जाना, ठीक है? लाइक का, कमेंट का, शेयर कर लेना, कर लेना ना, कर लेना, क्या जाना, कर लेना, लाइक का, कमेंट का, शेयर का, सब्सक्राइब का, सबका बटन दबाएगा, सबका दब जाएगा। ओके ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।